तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और बेस्ड ऑन जनरेशंस, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं, ठीक उसी तरीके से भैया ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी जनरेशंस होती हैं। क्या होती हैं भैया? जनरेशंस होती हैं। तो आज हम उन्हीं कैटेगरीज को देखने वाले हैं कि भैया कितनी कैटेगरीज होती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सबसे पहले देख लेते हैं भैया, एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, उससे पहले समझो कि आपकी एक नॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या कुछ वर्ड्स हैं। सपोज मैंने मेरे को भैया सचिन बोलना है, ठीक है, मेरे को बोलना है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, मैंने एजुकेशन लिया, पॉइंट लिया, ऑनलाइन लिया, ये कुछ इंडिविजुअल सिंबल्स हैं, ये कुछ इंडिविजुअल वर्ड्स हैं जिनको मैं कंबाइन करके एक सेंटेंस बना रहा हूँ, और वो जो सेंटेंस है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन इज़ वेरी गुड फॉर इंजीनियरिंग, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन इज़ वेरी गुड फॉर इंजीनियरिंग, ये पूरा सेंटेंस मैंने छोटे छोटे सिंबल्स की हेल्प से बनाया। एजुकेशन अलग, पॉइंट अलग, ऑनलाइन अलग, ये सिंबल्स समझ लो इनको, ठीक है, ये छोटे छोटे सिंबल्स हैं, और ये सिंबल्स जब आपस में आके एक सेंटेंस बनाते हैं तब एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर, व्हाइल, जब आप लूप में यूज़ करोगे तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम सिंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिंटेक्स कहते हैं। सपोज अगर मैं C++ की बात करूं तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ आउटपुट में देनी है तो मुझे सी आउट लिखना होगा। हालांकि ये चीज़ें भी आपके पल्ले से ऊपर जा रही होंगी अगर आपने C++ नहीं पढ़ा है कभी भी, लेकिन C++ में अगर हमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, अगर हमें हेलो वर्ड नाम की कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो मैं क्या सी आउट यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा भैया? सी आउट यूज़ करूँगा। ये मेरा सिंटेक्स हो गया। क्या हो गया भैया? मेरा सिंटेक्स हो गया। यही सिंटेक्स हम सिंबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिंबल्स कहते हैं। जब यही छोटे छोटे सिंबल्स लाइन बाय लाइन लिखे जाते हैं तो ये एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? एक प्रोग्राम बनाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है, वो क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन सिंटेक्स लिखते हैं और लास्ट में उनका एक प्रोग्राम निकलता है। इसी प्रोग्राम को जब वो एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है भैया? मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। जैसे कि एक सेंटेंस बनाने में हमें एक मीनिंगफुल कुछ अर्थ निकल रहा होता है उस सेंटेंस का, ठीक उसी तरीके से जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है तो हमें कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट मिल रहा होता है। कहने का मतलब क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेट ऑफ सिंबल्स। क्या है भैया? सेट ऑफ सिंबल्स दैट इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क। अब इस केस में जब मैंने सी आउट वाला केस बताया था तो सी आउट सपोज आपका एक सिंबल हो गया जो कि कंप्यूटर को क्या बता रहा है कि आपको ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, हेलो नाम की स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इतना समझो कि अगर हमें कुछ भी भैया 2 प्रिंट कराना है, 3 प्रिंट कराना है, सचिन का नाम प्रिंट कराना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन प्रिंट कराना है, आपका नाम प्रिंट कराना है, विशाल का नाम प्रिंट कराना है, नेहा का नाम प्रिंट कराना है, तो हमें क्या यूज़ करना होता है? सी आउट यूज़ करना होता है। दिस इज़ अ सिंटेक्स और ये सिंटेक्स ही एक सिंबल है जो कि हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको क्या बता रहा है कि एक आउटपुट दो हेलो नाम का या विशाल नाम का या नेहा नाम का। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही सेट ऑफ सिंबल्स है दैट इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क। इस केस में ये सी आउट है, मतलब कि एक आउटपुट देना हुआ, ठीक है। देयर आर सेट ऑफ रूल्स टू यूज दीज सिंबल्स जिन्हें हम सिंटेक्स कहते हैं। सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे पास कुछ जिनकी मदद से हम इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हैं और इसे हम सिंटेक्स कहते हैं। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क द प्रोग्रामर राइट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए, ये एक सिंटेक्स हमने लिखा, इसी को अगर मैं लाइन बाय लाइन एक
रिटन फॉर्मेट में लिख दूं तो इसे हम एक प्रोग्राम कहेंगे बाय यूजिंग दीज सिंबल्स। ठीक है, इन्हीं सिंबल्स को, इन्हीं सिंटेक्स को यूज करके अगर हम लाइन बाय लाइन एक कोड लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उस कोड को हम क्या कहते हैं, वी आर प्रोग्राम कहते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? कुल मिला के अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिवॉल्व्स अराउंड थ्री वर्ड्स। सबसे पहला सिंटेक्स, दूसरा स्ट्रक्चर या इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, और सेट ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शंस। ये तीन चीजें आप याद रखोगे, आप जो भी डेफिनेशन लिख के आओ अपने हिसाब से, उसमें ये तीन वर्ड्स अपन को डालना है और आपका आंसर फुलफिल हो गया। हमारे पास एक वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में, हमने वीआ पाइथन देखा है, हमने पीएचपी देखा है, हमने सी हैश देखा है, हमने जावास्क्रिप्ट देखा है, हमने सीएसएस देखा है कास्केडिंग स्टाइल शीट, हमने सी देखा है, सी प्लस प्लस देखा है, जावा देखा है, ठीक है, सीक्वल सर्वर देखा है, सी हैश देखा है। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं हमारे मार्केट में और अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये सारी लैंग्वेजेस यूज में आती है। तो ये हो गया हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। अब भैया हम देख लेते हैं कि वॉट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कैटेगरीज हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन जनरेशंस कि सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उस हिसाब से हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। अब अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूँ तो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया है वो इन तीन चीज़ों का किया गया है। जो सबसे पहले तीन लैंग्वेजेस हैं या जो सबसे पहले तीन जनरेशन्स हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इन तीनों का जिक्र आपके सिलेबस में किया गया है। उसके बाद ये जो दो और जनरेशन्स हैं ये बस आपको पता होनी चाहिए कि कुछ कुछ तो होता है। ये जो और दो जनरेशन्स हैं ये बस आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ होता है। अब इसको अगर मैं ईजियर लैंग्वेज में आपके लिए ट्रांसलेट करूं, तो ये जो फाइव जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस का, और दूसरा पार्ट है भैया हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस का। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर से ज़्यादा पास होती हैं। इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा, अभी ये परेशान मत हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से कैसे पास होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लो लेवल लैंग्वेजेस की तो इसके दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला मशीन लैंग्वेज, अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और दूसरा टाइप है भैया असेंबली लैंग्वेज। इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और असेंबली लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर मैं बात करूँ हाई लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें भी तीन पार्ट्स हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक नेम्स नहीं है लेकिन ये तीन जनरेशन्स में डिवाइड है। जो थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है वो हम अपने सामने देख रहे हैं, वो सी प्लस प्लस है, वो पाइथन है, ठीक है, वो आपकी जावा है, आपकी जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, HTML है, CSS है, ये सारी जो आपकी लैंग्वेजेस हैं ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन में यूज़ हो रही हैं या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई यूज़ हो रही हैं लैंग्वेजेस, उन्हें हम ये फोर्थ जनरेशन वाली कैटेगरी में रखते हैं। अब इसमें क्या एग्जाम्पल भैया, अभी शायद आपने डेवलपमेंट नहीं चालू किया होगा, आपने वेब डेवलपमेंट वगैरह पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेटाबेसेस होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में आप फॉर्म फिल करने आ रहे हो, तो पिछला बैकएंड में जो मेरा डेटाबेस होगा जहां पे इस पूरे फॉर्म की जो इंक्वायरी है, जो आपका नाम होगा, आपके फॉर्म में आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया है, आपने जो जो भी चीज़ें वहां पे डाली है, वो जाके कहां सेव हो रहा है, एक डेटाबेस में सेव हो रहा है। कहां सेव हो रहा है भैया, एक डेटाबेस में सेव हो रहा है। इसी डेटाबेस के लिए आइदर हम MySQL सर्वर यूज़ करते हैं,
आइधर हम MySQL सर्वर यूज करते हैं या फिर MongoDB यूज करते हैं। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। अभी आप बिल्कुल मत घबराओ कि ये क्या भैया ने बता दिया, अभी बस इतना समझो कि हम SQL सर्वर यूज करते हैं, सर्वर नहीं वो सर्वर है, ठीक है, और दूसरा हम MongoDB यूज करते हैं। ये दो डेटाबेसेस बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अ प्रोग्रामर। तो ये जो आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस है, ये यही लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं या फिर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती हैं। जो आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गई वो आपके AI लैंग्वेजेस होंगी, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है। आपकी जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस होती हैं वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस होती हैं। अब ये जो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन है ये जस्ट फॉर योर काइंड नॉलेज मैंने आपको बता दिया, इसका आपका ज़्यादा लेना देना है नहीं। एग्जाम में स्पेसिफिकली इनके बारे में कभी नहीं पूछा जाता है, हमेशा आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? या तो पूछा जा सकता है कि भैया बताओ मशीन लैंग्वेज क्या होती है, या पूछा जा सकता है भैया बताओ असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, या पूछा जा सकता है भैया बताओ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, या पूछा जा सकता है कि भैया बताओ लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अगर पूछता है लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है तो ये दोनों सब पार्ट्स बताओगे। अब दूसरा क्या आ सकता है, बोलेगा मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस बताओ। तीसरा क्या बताएगा, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में हमें डिफरेंस बताओ। तो ये मोटे मोटे इतने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा घबराना नहीं है। उसी चीज़ को बार बार घुमा फिरा के काम किया गया है। हमें क्या समझना है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसके अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज में एक ही कैटेगरी है, उसे हमें अच्छे से समझना है। अब मैं आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताता हूँ भैया मशीन लैंग्वेज क्या होती है। अगर मैं बात करूं मशीन लैंग्वेज की, तो जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जितनी भी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये डायरेक्टली आपके CPU के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। कैसे कोऑर्डिनेट करती भैया? CPU के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। हमें क्या पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 and 1 के फॉर्मेट में काम करता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 and 1 के फॉर्मेट में काम करता है। तो ऐसा समझो कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो प्रोग्रामर होगा, जो एनकोडर होगा, वो 0 and 1 के फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखेगा। क्या आप एक ऐसे प्रोग्रामर बनना चाहते हो जो कि 0 and 1 के फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखे? भैया दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, मतलब ह्यूमंस के लिए ये उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इस वजह से ये लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि ये ह्यूमंस से दूर है, ह्यूमंस ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। मतलब कि यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हमारे यूजेज में ये नहीं आती है, ये प्रेजेंट होती है कंप्यूटर में, मगर ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। मतलब कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो इसको समझ नहीं पा सकता। अगर मैं बात करूं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो वहां जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दो भैया हेलो वर्ल्ड, क्या आप समझ पा रहे हो कि हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिलेगा? क्या आप समझ पा रहे हो कि आउटपुट में हेलो वर्ड मिल रहा होगा? अगर इसी हेलो वर्ड को मुझे मशीन लैंग्वेज में प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले सपोज अगर मुझे हेलो को प्रिंट कराना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका ASCII कोड। क्या निकालूंगा भैया? ASCII कोड। कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी लेटर्स हैं H अलग, E अलग, LL अलग, O अलग, इन सब का इंडिविजुअल एक ASCII कोड होता है। मेरे ख्याल से एक ASCII कोड कुछ 67 होता है, B का 68 होता है, कुछ इस तरीके से चलता जाता है। तो H का कुछ स्पेसिफिक ASCII कोड है, E का कुछ स्पेसिफिक ASCII कोड है, और हर ASCII कोड का, सपोज 67 कोई ASCII कोड है, ASCII कोड एक वो है जैसे आपकी लेंथ वगैरह होती है, आपकी ब्रेथ वगैरह होती है, ठीक उसी तरीके से ये एक नॉमिनेशन है। उस पर अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि भैया ASCII कोड क्या नया आ गया, ऐसा समझो कि बस कुछ डिटर्मिनेशन है कि H के साथ एक कुछ नंबर जुड़ा हुआ है, उसी नंबर को जब हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस बाइनरी नंबर को हम अपने मशीन लैंग्वेज में इंसर्ट कराएंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा भैया? हेलो मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? हेलो मिलेगा। तो ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद, ये इतनी ज़्यादा, इसको नोट करना हो तो कर लेना,
इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं बचता है, इस वजह से इसको ह्यूमन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये यूज़ होती है, लेकिन वाइल जब आपका सीपीयू कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, जब आपका सीपीयू बन रहा होगा, तब के टाइम पे इसको एनकोड किया जाता है बाय द कंपनी। ठीक है, उतने टाइम पे इसको एनकोड किया जाता है। अब ये करता क्या है, अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो करता क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, सपोज मुझे 1+2 करना है, मुझे 1+2 करना है, तो ये कंप्यूटर में आपके पता है किस तरीके से सेव होगा, 1 की कुछ वैल्यू होगी, 0 और 1 के फॉर्म में ये 1 की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज हमारा 20 बिट्स का एक मेमोरी यूनिट है, अब इस 20 बिट्स के बीच में इस ऑपरेशन को रखा जाएगा। सपोज जो आपका 1 है ये 2 मेमोरी स्पेसेस खा लेता है, जो आपका प्लस ऑपरेटर है ये 4 मेमोरी स्पेसेस खा लेता है, और बची हुई 3 मेमोरी स्पेसेस आपके 2 को चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से 0101 0101 0101 इस फॉर्मेट में हम इस ऑपरेशन को एनकोड करते हैं। किस तरीके से भैया, इस ऑपरेशन को कुछ 0101 के फॉर्मेट में अपनी मेमोरी स्पेसेस में एनकोड कर देते हैं, और यही जो एनकोडिंग वाली प्रोसेस हो गई ये किसकी मदद से होती है, मशीन लैंग्वेज की मदद से होती है। किसकी मदद से होती है भैया, मशीन लैंग्वेज की मदद से होती है। अब जो इसमें आपका प्लस है ये आपका ऑप कोड है, क्या है भैया, ऑप कोड है। ये जो भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, अगर यहाँ पे आपने माइनस भी लगा दिया होता तो उसको भी हम क्या कहते भैया, ऑप कोड कह देते हैं। और ये जो आपका 1 और 2 है ये हो गए भैया आपके ऑपरेंड, क्या हो गए भैया आपके ऑपरेंड। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो जो उसमें ऑपरेटर है उसे आप ऑप कोड कहोगे, और जो आपका 1 और 2 जो आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ऑपरेंड कहते हैं। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई। अब मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन देख लो, मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे हायरार्की में लो लेवल पे जो आती है वो मशीन लैंग्वेज है, अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा डायरेक्टली ये अंडरस्टूड होती है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में चीज़ों को समझता है, इस वजह से मशीन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्लोज होती है हमारे सीपीयू के। इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंसेज ऑफ 0s and 1s, जिस तरीके से ये मैंने बाइनरी कोड लिखवाया 0 और 1 के फॉर्मेट में, ये इसी तरीके से सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। Which correspond to specific instructions executed by the computer's central processing unit, जिसे हम CPU से कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने एक sequence में पहले हमने 1 को store कराया, फिर हमने plus operator का जो binary digits हैं उनको store कराया, फिर हमने 2 को store कराया, ये memory unit में CPU में एक instruction गया कि भैया आपको 1+2 करके दे देना है, आपको 1+2 करके दे देना है, यही है आपकी मशीन लैंग्वेज। अगर मैं इस चीज़ को समअप कर दूं, अगर मैं इसकी समरी आपको दे दूं, तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है वो एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, या मैं कहूँ लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज है, ये 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करती है। दूसरी चीज़ क्या कि भैया ये जो होती है ये सीपीयू के बहुत ज़्यादा पास होती है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्टली 0 और 1 के फॉर्मेट में चीज़ों को समझता है। तीसरा कि भैया जो ह्यूमंस हैं, जो हम हैं, ये डायरेक्टली इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से यही एक कारण है कि हम डायरेक्टली इसमें कोडिंग नहीं कर रहे होते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में कोडिंग नहीं कर रहे होते, आपके डेली यूजेज में ये नहीं आ रही होती है। अब ऑप कोड और ये जो मैंने चीज़ बताई, आपका ऑप कोड के बारे में मैंने बता दिया, जो आपका ऑपरेशन कोड होता है, अगर हमने समझो कि 1+2 लिखा है तो ये जो आपका ऑपरेटर होगा इसे हम ऑप कोड कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, ऑप कोड कहेंगे। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द ऑप कोड इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन है दैट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। यहाँ पे इस केस में वो ऑपरेशन क्या है भैया, सम कर देना, वो ऑपरेशन क्या है भैया, प्लस कर देना। इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक कमांड और ऑपरेशन दैट द सीपीयू शुड एग्जीक्यूट, क्या यहाँ पे क्या इस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पेसिफिक कमांड रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एडिशन कमांड है, और ऑपरेशन दैट द सीपीयू शुड एग्जीक्यूट। अब ये सीपीयू क्या करेगा, इनको कॉन्कैटिनेट कर देगा, या क्या करेगा, इनको ऐड कर देगा, सच एज एरिथमेटिक,
लॉजिक, डेटा ट्रांसफर और कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस। अरिथमेटिक में कौन से आ गए भैया आपके? प्लस माइनस हो गए, लॉजिक में आपका ट्रू फॉल्स वगैरह हो गए, डेटा ट्रांसफर और कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस। तो ये वाली चीज है। अब दूसरी तरफ जो आपका ऑपरेंड हो गया, ऑपरेंड वो यूनिट होती है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इस केस में वो ऑपरेंड क्या होगा? वन और टू होगा, क्योंकि वन और टू के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे? ऑपरेंड कहेंगे। एंड ऑपरेंड इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज द डेटा और द लोकेशन ऑफ द डेटा टू बी यूज इन द ऑपरेशन। ये जो डेटा है या ये डेटा किस लोकेशन में प्रेजेंट है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे भैया? ऑपरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ऑपरेंड कह रहे होंगे। तो ये ऑप कोड और ऑपरेंड वाली कहानी भी आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब देख लेते हैं भैया हमारे एडवांटेजेस क्या हैं व्हेन इट कम्स टू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। अब भैया मशीन लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर मैं बात करूं मशीन लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला एडवांटेज भैया एफिशिएंसी। अब क्योंकि ये जो कोड है, ये जो 0 और 1 के फॉर्मेट में कोड है, ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में किसी कंपाइलर का काम नहीं है, किसी भी कंपाइलर का काम नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप C++ में कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहले वो कंपाइलर से पास होता है। कहाँ भैया? कंपाइलर से पास होता है। जो आपका कंपाइलर होता है वो इस आपके C++ में, इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को 0 और 1 के फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद सीपीयू के द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या करता है? पहले C++ के प्रोग्राम को, जो आपके इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, उसे 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाता है। ये एक लेंथी प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंसी एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी कम हो जाती है। तो भैया हम यही मशीन लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करते हर जगह? हम C++ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो C++ होती है ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, और मशीन लैंग्वेज में हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते, क्योंकि आप 0 और 1 में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। अब इतनी चीज समझाने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन जो रहता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहता है, तो इसमें कोई भी एरर आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, देयर इज मिनिमल ओवरहेड इन्वॉल्व लीडिंग टू ऑप्टिकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो भी आपके रिसोर्स हैं, आपके मेमोरीज हैं, आपके जो रजिस्टर्स हैं, इन सब का जो यूटिलाइजेशन है, सीपीयू की जो पावर है, ये जो यूटिलाइजेशन है ये बड़ी फास्ट हो पाती है, बहुत इफ़िशेंट हो पाती है, क्योंकि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसके इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं, बीच में कोई भी कंपाइलर नहीं होता है। दूसरा हो गया भैया लो लेवल कंट्रोल। प्रोग्रामर्स हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज मेमोरी, रजिस्टर्स एंड इनपुट डिवाइसेस। दिस अलाउज फॉर प्रेसाइज मैनिपुलेशन। एक सेकेंड, इस चीज को मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया था, एक सेकेंड रुकना। ये वाली चीज आप मत लिखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है। हालांकि एक कमेंट में आया था किसी भाई का, अपने उन्होंने बोला कि सर जो आप कंटेंट लिखवाते हो, जो डेफिनेशंस आप लिखवाते हो वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जो उनकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो यार इसमें मेरा कहना ये है कि हम बीटेक के छात्र हैं, ठीक है, हम ऐसी चीज़ पढ़ ही रहे हैं कि जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी और टेक्निकलिटी होना ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में टेक्निकल वर्ड्स का, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे होगे तो बेशक हो सकता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट दे। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं आपके सिविल में ईटा पत्थर की, आपके गिट्टी बालू की, तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग फिजिक्स, व्हेन इट कम्स टू बीसी, व्हेन इट कम्स टू डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, आपको टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा तो एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको उसके लिए ट्रेन करूं। इस वजह से मेरा जो फ्लो ऑफ पढ़ाने का क्या टीचिंग मेथड रहता है कि सबसे पहले मैं चीज़ों को समझाता हूं। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है मैंने समझाया अच्छे से, ब्लैंक पेपर भी पूरा समझाया, उसके बाद मैंने डेफिनेशन रीड करी ताकि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन समझ में आ सके और आप उसको नोट कर लो। अगर आपको चीज़ें लेंदी लग रही है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि यार इस चीज़ को मैं टैकल करूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ कम रखूँ जो डेफिनेशन से या जो भी चीज़ें हैं। हालांकि इस बार भी मैंने ट्राई करा है,
लेकिन फिर भी कंटेंट तो लिखना पड़ेगा ना यार, मतलब अगर इफिशियंसी है, लो लेवल कंट्रोल है, अगर फास्ट एग्जीक्यूशन, तो ये सब तो लिखना पड़ेगा, भले ही आप पॉइंटर्स में लिख लो आपके याद रखने के लिए। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूँ फास्ट एग्जीक्यूशन की, तो जाहिर सी बात है अगर सीपीयू डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा है, जो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज है, डायरेक्टली सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फास्ट होगा। यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मशीन लेवल लैंग्वेजेज जो होती है उसके इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा हार्डवेयर लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं विदाउट अ नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन कौन करता है? कंपाइलर करता है। कौन करता है भैया? कंपाइलर करता है। मैंने आपको कंपाइलर की भी कहानी बताई। और ट्रांसलेशन क्या भैया? जो C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको 0-1 के फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है, जो रिजल्ट फाइंडिंग इसकी स्पीड रहती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब उसके बाद इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, जो आपके एप्लीकेशन है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी रन होने लगती है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं भैया आपके डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज तो यही है भैया, कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में लिखी हुई है। क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में लिखी हुई भैया, अगर मैं अपना नाम सचिन इसको 010101 के फॉर्मेट में लिख लूँ, तो मेरे पिताजी पढ़ ही नहीं पाएंगे भाई ये क्या लिखा हुआ है। मतलब अपने बेटे का नाम उनको नहीं पता चलेगा कि भैया ये सचिन लिखा हुआ है। वहीं अगर मैं डायरेक्टली उनको सचिन लिख के दे दूं, तो पढ़ लेंगे कि हाँ भैया ये हमारे बेटे का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ावा देती है कि क्योंकि मेरा नाम 01 बाइनरी की फॉर्मेट में लिखा था, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। मीनिंग दोनों की सेम है, तो कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ में क्या रहता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेक्स इट हार्ड टू रीड एंड प्रोन टू एरर्स। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में अपने कोड को लिखोगे, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे किसके भैया? एरर्स के। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस टाइटली टाइड टू हार्डवेयर लैक्स प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस वाली बात आती है, हर सीपीयू के अंदर उसकी जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो इन बिल्ट आती है। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपनी के सीपीयूज, अलग अलग जनरेशन के सीपीयूज के अंदर अलग अलग उसके रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मशीन लेवल लैंग्वेज को एनकोड किया जाता है। तो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस को दिखाता है कि जैसे जैसे आपके सीपीयूज चेंज होंगे, वैसे वैसे आपके मशीन लेवल लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन है, जो उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, जो उसके सिंबल्स हैं, जो उसके सिंटेक्सेस हैं, वो चेंज होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस को दिखाता है। दूसरा, एरर प्रोन, मैंने आपको बता दिया एरर प्रोन क्या होता है। एरर प्रोन इसलिए होता है क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है भैया, ये जितने भी बाइनरी कोड्स हैं इनको ह्यूमंस अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से एरर ज़्यादा निकल के आ पाते हैं, बग्स ज़्यादा निकल के आ पाते हैं। लिमिटेड एक्सप्रेसिवनेस, लैक्स मॉडल कंस्ट्रक्ट्स, एंड इसको भी मैं हटाई देता हूँ वरना हमारे भाई साहब क्या बोलेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। अब देखो, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ये पॉइंट्स लिखो, मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा कंटेंट हो भैया, ज़्यादा कंटेंट हो कि आप वही वाली चीज़ है ना कि अगर मुझे 5 चीज़ें पता है तो एटलीस्ट उनमें से 3 चीज़ें मैं लिख के आऊँगा, लेकिन अगर मैं आपको 3 चीज़ें ही बताऊँगा तो आप तो 2 लिख के आओगे ना, ये वाली चीज़ होती है। इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा लिखवा देता हूँ ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आप बेशक आपको जो चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लग रही है ना कि हाँ भैया ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आप उनको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और ये BCE है, यहाँ पे आप अपने मन से भी लिख सकते हो चीज़ों को, ऐसा वो नहीं है। डेवलपमेंट टाइम TDS, अब ये TDS का मतलब नहीं है, TDS मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, ठीक है, TDS मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है। TDS कोडिंग प्रोसेस इंक्रीजेस टाइम एंड कॉस्ट, कहने का मतलब क्या है कि जब CPU बिल्ड हो रहा होता है तो इतनी टाइम पे जो मशीन लेवल लैंग्वेज की जो एनकोडिंग होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा ऐसी होती है जो ह्यूमन से नहीं समझ सकते हैं, इसकी वजह से इसको एनकोड करने का टाइम और इसको एनकोड करने का कॉस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरर प्रोन होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, इसकी वजह से इसके जो इसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें अपडेशन, इसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाता है। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। यहाँ तक हम इतना समझ चुके हैं भैया हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है।